नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया हूँ। स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 14th ऑफ अक्टूबर, 14 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ, आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर की क्लास को आप रेगुलर फॉलो करिए, और साथ ही साथ आप नोट्स बना सकें। इसके लिए आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड किया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को, यानी कि डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और डेली जो है वहां पे पीडीएफ को अपलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाई रिविजन करिए। इसी के साथ साथ क्लास स्टार्ट करती हूँ। क्लास स्टार्ट करूँ उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। निम्न में से किस देश में विश्व बैंक की विकास समिति की 108वीं पूर्ण बैठक आयोजित हुई है? किस देश में ये दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने है, वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये अफ्रीकी देश है मोरक्को। वहां पे जो है विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं पूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें भारत की तरफ से जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं दोस्तों, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने जो है इस बैठक में भाग लिया है। ठीक है, कहाँ पे हुई ये बैठक? तो ये ध्यान रखिएगा, मोरक्को के, ठीक है, माराकोच में। ये देखिए आपके सामने ये मैप खुला हुआ है दोस्तों, ये अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पे आपको मोरक्को दिखाई देगा, जिसकी सीमा देखिए किससे किससे लग रही है, वेस्टर्न सहारा से, अल्जीरिया से। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जो है मोरक्को के जो माराकोच में इस विकास समिति, विश्व बैंक की विकास समिति की 108वीं बैठक जो है ये आयोजित की गई, जिसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया? निर्मला सीतारमण ने, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ने। यहाँ पे इस बैठक में देखा जाए जो कि कहाँ पे है, जो मेजबानी की जा रही है मोरक्को के द्वारा, ठीक है, कहाँ पे हो रही है? मोरक्को में कहाँ पे हो रहा है? माराकोच में हो रहा है। इसमें देखा जाए तो इसमें विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, IMF की वार्षिक बैठक के मौके पर, ठीक है, इस बैठक की जो अध्यक्षता कौन कौन क्या है, ठीक है, इस बैठक की अध्यक्षता किसने की इस बैठक को? तो मौके पर जो है अमरीकी वित्त मंत्री जेनेट एलन ने किया है। ठीक है, ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं ये जो बैठक है इसकी मेजबानी किसके द्वारा किया गया है। तो ये जो यहाँ पे जो है अमेरिकी मंत्री है जो उसको जेनेट एलन के द्वारा किया गया है, जो वित्त मंत्री है उनके द्वारा। इस बैठक का एजेंडा क्या था? रहने योग्य धरती पर, ठीक है, गरीबी को खत्म करना, विश्व बैंक के विकास पर गवर्नरों को रिपोर्ट करें। ठीक है, ये इस बैठक के, ठीक है, बेसिकली क्या था, उद्देश्य था या फिर विषय था। मोरक्को के बारे में देखिए, आप देख सकते हैं ये मोरक्को है, ठीक है, राबत जो है इसकी कैपिटल है। और आप मुझे बताइए, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेट है जो कि कनेक्ट करता है स्पेन को, ठीक है, अलग करता है स्पेन को मोरक्को से और कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को अटलांटिक सी से। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन सी वो स्ट्रेट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ और भी नोट्स देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जो है नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में देखा जाए तो 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्याधिकरण के अध्यक्ष हैं जो न्यायमूर्ति अशोक भूषण जी के द्वारा किया गया। तो यहां से यह भी पता चल रहा है कि जो 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन है, इसका जो आयोजन किया गया वो नई दिल्ली में किया गया, जिसका उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? न्यायमूर्ति अशोक भूषण जी के द्वारा किया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो आयोजन है दोस्तों, इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है उसके द्वारा किया गया है। और इस सम्मेलन का आयोजन देखिए 11 से लेकर के 13 अक्टूबर, यानी कि कल, इस जो है आयोजन को संपन्न किया गया है। सम्मेलन का विषय क्या था? तो प्रतिस्पर्धा कानून और नीतियों में नए मुद्दे, आयाम, जो है परिप्रेक्ष्य, चुनौतियां जो है इसके बेसिकली विषय थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 141वीं जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक, ठीक है, बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है, वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, भारत है। ठीक है, भारत जो है वो 141वीं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करेगा। तो राष्ट्रीय राजधानी दोस्तों नई दिल्ली, वहां पे जो है जैसा कि आपको पता है भारत ने इस साल जो है G20 की अध्यक्षता किया, और नई दिल्ली में जो है G20 की समिट हुई थी, और उसकी जो है सफल, जैसा कि काफी सफल रही हो, ठीक है, समिट, एक सफल मेजबानी, G20 सदस्यों की बैठक की सफल मेजबानी करने के बाद भारत देखा जाए दोस्तों
तो मुंबई में, ठीक है, मुंबई में जो है 141वीं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 141 जो है, वन जो है बैठक जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की होगी वो भारत में होगी। भारत में भी कहाँ पे होगी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होगी। और इस बैठक के जो आयोजन किया जाएगा वो कब से शुरू होगा, तो ये 15 से शुरू होगा और ये 17 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि कल स्टार्ट होगा। और चूंकि उद्घाटन समारोह इसका आज ही संपन्न होगा, इसका उद्घाटन जो है वो 14 अक्टूबर को किया जाएगा। और सत्र में देखा जाए दोस्तों तो पहले जो है 12, 13, 14 अक्टूबर को, ठीक है, कार्यकारी बैठक भी होगी। तो यहाँ पे कार्यकारी बैठक भी आयोजित की जा चुकी है। इसके लिए दोस्तों क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे जो है इस बैठक में भाग लेने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दोस्तों अध्यक्ष हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा, कौन है, थॉमस बाक। वो क्या है, मुंबई पहुंच चुके हैं। तो थॉमस बाक जो है वो, उनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस लाइन को शामिल किया गया यहाँ पे। थॉमस बाक क्या है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। और इस मीटिंग की बात किए दोस्तों, ये सम्मेलन भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आयोजन देखा जाए तो ओलंपिक जैसे जो बड़े वैश्विक खेल इवेंट्स की मेजबानी करने के लिए इसकी तैयारी के प्रदर्शन में भारत को एक अवसर प्रदान करेगा। जैसा कि भारत भी विचार कर रहा है आने वाले वर्षों में, हो सकता है भारत भी ओलंपिक खेल की मेजबानी करे, तो इसके लिए वो जो है अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है इन सम्मेलन से माध्यम से, ठीक है। अगर हम सत्र की बात करें, आईओसी का जो सत्र है दोस्तों, ये वार्षिक तौर पे किया जाता है, हर साल इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो सदस्य हैं वो इस बैठक में भाग लेते हैं। और बैठक में देखा जाए तो खेल स्पर्धाओं से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लिए जाते हैं, हो सकता है इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो बैठक है दोस्तों, वो भारत के मुंबई में आयोजित होने वाली है, ठीक है, या फिर कल से इसकी शुरुआत होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लीजिएगा ये प्रश्न दोस्तों। भारत सरकार ने इसराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीयों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है, उसमें जो भारतीय जो इसराइल वगैरह में फंसे उनको निकालने के भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है दोस्तों, ऑपरेशन, ठीक है, अजय, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन गंगा कब चलाया गया था दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। बाकी ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। तो हाल ही में देखा जाए भारत सरकार के द्वारा जो है कौन सा ऑपरेशन शुरुआत की गई है दोस्तों, ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई है। और इस ऑपरेशन अजय का उद्देश्य क्या है दोस्तों, जो युद्धग्रस्त इसराइल है वहां पे जो बसे भारतीय है उन भारतीयों को सुरक्षित निकालना ऑपरेशन अजय का उद्देश्य है। इस ऑपरेशन को देखा जाए जो घोषणा की गई है किसके द्वारा किया गया है, तो जो भारतीय विदेश मंत्रालय उसके द्वारा किया गया है। और इस ऑपरेशन के तहत लगभग ये माना जा रहा है कि 18,000 जो भारतीय है वो जो है इसराइल यहाँ पे फंसे हुए, इन 18,000 भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जाएगा इस ऑपरेशन के तहत। और बल्कि देखा जाए दोस्तों 250 लगभग जो है वो आ चुके हैं अभी तक। और यहाँ पे जो है इसराइल का एक हवाई अड्डा है जिसे बेन गुरियन हवाई अड्डा कहते हैं, वहां से जो है भारतीयों को लेकर के पहला जो है विशेष विमान उड़ान भरेगा, इवन आ चुका है वो। और यहाँ पे देखा जाए बेन गुरियन की बात किया जाए दोस्तों, जो कि इसराइल का ये एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और ये एक शहर है, लोद शहर के उत्तरी इलाके में ये हवाई अड्डा स्थित है। तो ये ऑपरेशन अजय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तरफ ऑपरेशन दे देगा, एक तरफ दे देगा कौन सा जो है संबंधित है, तो एक तरफ ऑपरेशन अजय दे देगा, एक तरफ ऑपरेशन गंगा दे देगा, ठीक है, ठीक, ये सब पूछा जा सकता है। तो आप मुझे ऑपरेशन गंगा के बारे में बताइए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने इंटेलिजेंट शिकायत निवारण प्रणाली 2.0 विकसित किया है। तो ये इंटेलिजेंट शिकायत निवारण जो प्रणाली है वो किसके द्वारा विकसित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा, ये करंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी जो है प्रणाली 2.0 जो केंद्र सरकार की क्या है दोस्तों, ये एक शिकायत जो है निपटान प्रणाली है, जो शिकायतें दर्ज की जाती है उनका निपटान करने के लिए, ठीक है, इस प्रणाली को विकसित किया गया है। तो हाल ही में देखा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा जो है इस प्रणाली के नए संस्करण का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया, ठीक है, यही जो नया संस्करण है 2.0 है। इस प्रणाली के बारे में बात किया जाए तो यह एक सार्वजनिक शिकायत पोर्टल और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का, ठीक है, ट्री डैशबोर्ड पोर्टल में स्वचालित विश्लेषण प्रणाली है, ठीक है। इसको जो विकसित किया गया था, इस प्रणाली को, वो IIT कानपुर के द्वारा जो है वो विकसित किया गया था।
और इसके बारे में बात करें तो जो डैशबोर्ड पर दर्ज की गई जो शिकायत है, जो शिकायत दर्ज की जाती है और जिन शिकायतों का जो है निपटान किया जाता है, राज्यवार और जिलावार दर्ज की गई शिकायतें, ना सिर्फ राज्य स्तर पे दोस्तों, जिला स्तर पे भी जो शिकायतें दर्ज की जाती हैं और इवन जो है मंत्रालय जो है डेटा का त्वरित जो है सारणीबद्ध विश्लेषण प्रदान किया जाता है इस किसके द्वारा दोस्तों, इस विकास प्रणाली, इस प्रणाली के द्वारा इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता से सक्षम जो है किया गया है। तो एक तरीके से जो है शिकायतों को दर्ज कराना, उनका निपटान कराना, इन सब के बारे में एक तरीके से डेटा उपलब्ध कराना, ठीक है, विश्लेषण प्रदान करना, ये इस प्रणाली का क्या नाम है दोस्तों, इंटेलिजेंस शिकायत निगरानी प्रणाली। यानी कि एक तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो शिकायतें जो दर्ज की जा रही है, उन शिकायतों का कितना निवारण हो रहा है, इन सब प्रणालियों पर नजर रखने वाली क्या है ये जो है सिस्टम है, ठीक है। नाम से आपको पता चल जा रहा है निगरानी प्रणाली, शिकायतों की निगरानी देख रहा है कि कौन सी शिकायतें दर्ज की जा रही है और उन शिकायतों का कितना त्वरित निपटान किया जा रहा है, ना सिर्फ राज्य स्तर पर, मंत्रालय स्तर पर, जिला स्तर पर, हर स्तर पर, ठीक है। इसके नए वर्जन को अभी हाल ही में देखा जाए, जो राज्य विज्ञान मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया और ये जो नया वर्जन है ये विकसित किया गया है जो है आईआईटी कानपुर के द्वारा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि इंडो अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये किया गया है पंकज बोहरा को किया गया है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है दोस्तों पंकज बोहरा, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इनको देखा जाए इंडो अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इन्होंने जो है पदभार ग्रहण किया है। यहाँ पे जो है इंडो अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के भारत में कितने जो है 14 कार्यालय सहित अमेरिका में कितने हैं 27 साझेदार संगठन है, जो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मदद करते हैं। अगर हम इंडो अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की बात करें तो ये कब स्थापित हुआ था, 1968 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला है दोस्तों प्रश्न की विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है, तो इस वर्ष जो है एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया गया है विश्व एथलेटिक्स के द्वारा दोस्तों, ये किया गया है नीरज चोपड़ा को। जैसा कि अभी हाल ही में जो चीन के होंगजो में एशियाई खेल 2022 हुआ है उसमें भी इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड जो है, ठीक है, यहाँ पे जेवलिन थ्रोन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, शानदार प्रदर्शन किया। तो इसके लिए देखा जाए इन्होंने लगातार ना सिर्फ दोस्तों एशियन गेम में, ओलंपिक गेम से लेकर के कई सारे खेलों में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो विश्व एथलेटिक्स ने देखा जाए पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 के लिए किसके नाम को नामांकित किया है, तो नीरज चोपड़ा के नाम को नामांकित किया है। इसके साथ ही देखा जाए तो वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड के जो है वोटिंग प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, और नीरज चोपड़ा की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो ये देखिए सबको पता है बहुत अच्छे से कि इन्होंने ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, कई सारे ऐसे जो है खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, इसमें से हाल ही में अभी इन्होंने, ठीक है, एशियाई गेमों में भी स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए कुछ और भी बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है दोस्तों की। देखिए जैसा कि आपको पता है विश्व कप की शुरुआत हो चुकी है 2023 के, और जो है अफगानिस्तान के खिलाफ जो है जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जो खेला गया मैच था, इसमें जो है रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो जैसा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों, ये दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है, और इसी यहाँ पे जो एक मैच हो रहा था भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ, और अफगानिस्तान के खिलाफ देखा जाए रोहित शर्मा ने, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबका दिया, देखिए 63 गेंद में इन्होंने, ठीक है, सर्वाधिक छक्के लगाए अफगानिस्तान ने, 63 गेंदे, और यहाँ पे देखिए 72 गेंदे थी जिम्बाब्वे के खिलाफ 1983 में किसने, कपिल देव ने, और 81 गेंदों पे देखा जाए 2007 में, ठीक है, बरमूडा के खिलाफ जो है वीरेंद्र सहवाग ने, और इन्होंने देखा जाए 63 गेंदों में, ठीक है, विश्व में सबसे तेज शतक लगाने वाले यहाँ पे, ठीक है, कौन बने हैं, रोहित शर्मा बने, और साथ ही साथ जो है सर्वाधिक छक्के का भी रिकॉर्ड तोड़ा है कि इन्होंने, ठीक है, रोहित शर्मा ने। इसके साथ ही देखा जाए उन्होंने जो है वनडे विश्व कप इतिहास में भी सर्वाधिक शतक का भी रिकॉर्ड बना लिया है, जैसा कि अभी आपने बात किया यहाँ पे। रोहित, देखा जाए रोहित शर्मा के बारे में बात किया जाए तो एक दिवसीय विश्व कप में संयुक्त रूप से सबसे तेज जो है 1000 रन बनाने वाले भी बल्लेबाज बन गए। तो ये कई सारी उपलब्धियां जो है रोहित शर्मा के नाम हुई है इस वर्ष देखा जाए, तो इनसे संबंधित प्रश्न इस बार पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और अरुण जेटली स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, ये सब स्टेडियम के बारे में आपको पता होना चाहिए कहाँ है, ये सब पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों की
किस राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन को अपने राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? तो किस राज्य ने किया है दोस्तों अपने राज्य का जलीय जीव, ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए ये स्टार, हर दिन मैं कोशिश करती हूँ कि एक उत्तर प्रदेश जो है स्पेशल न्यूज शामिल किया जाए, और हर दिन आपको देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित यहाँ पे करंट अफेयर देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैं आपसे रोज कहती हूँ कि करंट अफेयर के लिए उत्तर प्रदेश का एक अलग से नोट्स बनाइए, उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी करंट आप पढ़ रहे हैं उनको नोट डाउन करते हुए जाइए। तो यहाँ पे देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, और मुख्यमंत्री जी ने योगी आदित्यनाथ जी ने जो है गंगा डॉल्फिन को क्या किया है, राज्य का जलीय जीव घोषित कर दिया है। ठीक है, जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन की दोस्तों बात करें कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो देखिए गंगा नदी में पाई जाती है, यमुना में, चंगल में, ठीक है, घाघरा में, राप्ती, गेरुआ जैसी जो नदियां हैं वहां पे जो ये पाई जाती है। और ये ध्यान रखिएगा ये लुप्त प्राय प्रजाति, ठीक है, अगर हम इसकी लिस्ट देखें IUCN की रेड लिस्ट में, इसे लुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया गया है। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए जो अनुमानित वर्तमान संख्या है गंगे डॉल्फिन की, ये लगभग जो है 2000 है। ठीक है, अगर हम इसके साथ ही बात करें दोस्तों, तो इसको जीव जो है एक तरीके से जो जलीय जीव घोषित करने का कारण ये था कि इसके संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, और यहाँ पे गंगे डॉल्फिन के संरक्षण में, ठीक है, मूल्य को पहचानते हुए, यानी कि गंगा डॉल्फिन के, ठीक है, जिस तरीके से संख्या काफी कम है, ठीक है, और वहां पे जो इसीलिए इसका संरक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है राज्य सरकार ने इस प्रजाति की रक्षा के लिए सक्रिय जो है उपाय कर रही है, जिसमें से ये भी है कि इसको ठीक है जलीय जीव घोषित किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों गंगा नदी डॉल्फिन जो है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, उसके संरक्षण के प्रति लोगों को बताने के लिए हर साल देखा जाए जो है 5 अक्टूबर को गंगा, ठीक है, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, जैसा कि अभी हाल ही में इसको मनाया भी गया है। और इस दिन की जो शुरुआत की गई थी वो 2009 में किया गया था, क्योंकि 2009 की बात है दोस्तों, इसी दिन देखा जाए गंगा नदी डॉल्फिन को जो है औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में जो है अपनाया गया था। तो ये राष्ट्रीय जलीय पशु है, 2009 में इसको अपनाया गया था, ठीक है, तब से जो है हर साल 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है, इसके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों की हाल ही में श्वेत बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो देखिए किस राज्य में जो है 7 पुल परियोजनाएं की मंजूरी दिया गया है, किस योजना के तहत? तो सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो केंद्र ने देखा जाए दोस्तों सेतु बंधु जो है बंधन योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए लगभग 118 लाख जो है करोड़ रुपए में देखा जाए तो 118 करोड़ 50 लाख की लागत से जो है 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। 7 पुल परियोजनाएं बनाई जाएंगी, और ये जो है दोस्तों एक तरीके से इन परियोजनाओं के बारे में देखिए जो सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने बताया कि ये जो परियोजनाएं हैं दोस्तों, इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बढ़ेगी। ऑब्वियस है जब पुल बनेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो है दो क्षेत्रों के बीच में आवागमन आसान होगा, तो संपर्क बढ़ेगा, और सभी क्षेत्रों में जब संपर्क बढ़ेगा दोस्तों तो आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इन परियोजनाओं से देखिए जब आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि जीवन के समग्र गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। ठीक है, और जब जीवन के समग्र गुणवत्ता में सुधार आएगा तो समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, और जब एक समाज में जो है इसी तरह से जब हर क्षेत्र का विकास होगा तो राष्ट्र का भी विकास होगा। तो इस तरीके से राष्ट्र की प्रतिबद्धता के अनुरूप है दोस्तों ये जो परियोजना है जिसको मंजूरी दिया गया है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। इसी के साथ साथ हम असम के भी बारे में बात कर लेते। देखिए असम की जो साप्ताहिक कैबिनेट बैठक हुई थी जिसमें देखा जाए असम सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि कुछ प्रमुख जो है प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना 1000 किलोमीटर की हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क निर्माण को हरी झंडी दिखाई गई है असम सरकार के द्वारा। तो असम सरकार जो है हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क निर्माण के लिए, ठीक है, तैयार हो गई है, जो कि 1000 किलोमीटर होगा। सेम वही चीज है, यहाँ पे भी आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है। ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, उससे जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। इस परियोजना की जो अनुमानित लागत है दोस्तों वो 3000 करोड़ रुपए है। ठीक है, और यह जो है महत्वाकांक्षी परियोजना जो है राज्य के कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में क्या करेगी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस निर्णय की बात करें तो यह निर्णय जो है प्रमुख विकास पहलों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, और जो प्रस्तावित जो है 1000 किलोमीटर का हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये किस योजना परियोजना का भी अंग होगा दोस्तों? तो देखिए असम की एक योजना असोम माला,
ठीक है, असोम माला परियोजना है, उसी असोम माला जो कि कनेक्टिविटी से संबंधित है उसी परियोजना के ये भाग है। और असोम माला परियोजना के उद्देश्य की बात करें तो ये राज्य के सड़क नेटवर्क और परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, इस असोम माला परियोजना का उद्देश्य। और इसी के तहत जो है सरकार के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। इस गलियारे में देखा जाए पूरे असम में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं जो कि पूर्वोत्तर भारत के बारे में बात करें, एक हमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात किया, एक हमने असम के बारे में बात किया। तो असम के ही गुवाहाटी में दोस्तों एक और भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। तो पूर्वोत्तर का जो पहला रक्षा तकनीकी शो है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ईस्ट टेक, इसका जो है आयोजन किया जा रहा है वो गुवाहाटी में किया जा रहा है, गुवाहाटी असम के गुवाहाटी में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पूर्वोत्तर भारत का पहला जो है रक्षा तकनीकी शो है। इस तकनीकी शो की बात करें दोस्तों तो उद्देश्य क्या है, तो निर्माताओं को सशस्त्र बलों की जरूरतों से परिचित कराना, जो निर्माता है दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट करने वाले उनको जो सशस्त्र बल जो है वहां पे उनको क्या क्या जरूरत है, ठीक है, उससे परिचित कराना और उनके उत्पादों को सीधे खरीद कर सक्षम बनाना है। ठीक है, भारतीय सेना और असम सरकार ने तकनीकी कार्यक्रम योजना किया, ठीक है, आयोजन किया, जिसमें जो है रक्षा सार्वजनिक उपक्रम और स्टार्टअप भी अपने सामान का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, ठीक है, जिनके बारे में हम लोगों ने बात किया पूर्वोत्तर भारत से संबंधित। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की जो कि दिवस से संबंधित है कि हाल ही में कब विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया है। तो हाल ही में जो है विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया दोस्तों वो 12 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 12 अक्टूबर को जो है देखा जाए दोस्तों अगर हम विश्व दृष्टि दिवस की बात करें दोस्तों तो ये अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को जो है वर्ल्ड साइट डे मनाया जाता है, विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो है अक्टूबर का दूसरा गुरुवार जो पड़ा है वो 12 अक्टूबर को पड़ा है, इसलिए 12 अक्टूबर को इस दिवस को मनाया है। यह देखा जाए कि वैश्विक कार्यक्रम है जो विश्व दृष्टि दिवस है, उद्देश्य क्या है, जो अंधापन और दृष्टि बाधिता उसके तरफ लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए लोग ये जो है दिवस मनाया जाता है। क्योंकि इस वर्ष ये दिवस जो है 12 अक्टूबर को मनाया गया है तो इस वर्ष जो है इस दिवस की थीम क्या है दोस्तों, ये ध्यान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काम करते समय अपनी आंखों से प्यार करें, यानी कि अपने आंखों का ख्याल रखें काम करने के दौरान भी। ठीक है जी, इस साल की थीम है। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं एक अन्य दिवस की भी दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है 12 अक्टूबर को एक अन्य दिवस भी मनाया गया, ठीक है, जो कि विश्व गठिया दिवस है। तो गठिया जो जोड़ों से संबंधित रोग है दोस्तों, जो ज्वाइंट होता है, जो बोन ज्वाइंट होते हैं उनसे संबंधित ये रोग है, और इसी रोगों के प्रति लोगों को जो है जागरूक करने के लिए, ठीक है, एक तरीके से यह दिवस मनाया गया है। जो कि क्या है दोस्तों, ये रोग जो इस रोग से पीड़ित लोग होते हैं उनको काफी ज्यादा दर्द और जकड़न का सामना करना पड़ता है, और इसके प्रति लोगों को एक तरीके से अवगत कराने के लिए, जागरूक कराने के लिए यह दिवस जो है मनाया जाता है। तो विश्व गठिया दिवस दोस्तों कब मनाया गया, 12 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, ये कुछ दिवस थे जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में थे। अब बात करते हैं दोस्तों हम आज के लास्ट प्रश्न की, ठीक है, कि राष्ट्रीय खेल 2023 का 37वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए राष्ट्रीय खेल का 37वां संस्करण जो है ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा दोस्तों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, पणजी इसकी कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आयोजित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राज्य के दोस्तों जो खेल मंत्री हैं गोविंद गौड़े, उन्होंने देखिए इस बात की पुष्टि किया है कि जो राष्ट्रीय खेल है 2023 का उसका जो 37वां संस्करण है दोस्तों वो 26 अक्टूबर से शुरू होगा और 9 नवंबर तक चलेगा। इसका आयोजन कहाँ होगा दोस्तों, गोवा में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल जो है भारत का घरेलू ओलंपिक शैली का बहु खेल योजना है, जहां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट पदक हेतु जो है स्पर्धा करते हैं। तो इस खेल में देखा जाए बहुत सारे राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट जो इसमें भाग लेते हैं, और ये पहली बार होगा दोस्तों जब राज्य गोवा है वो राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा। ठीक है, इसके पहले भी ध्यान रखिएगा दोस्तों गोवा को जो है 36वां संस्करण की मेजबानी का अधिकार दिया गया था, जो कि शुरू के में 2016 के लिए निर्धारित था, लेकिन गोवा जो है अब 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा, ये पहली बार करने जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हम बात कर ले, देखिए 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किया गया है भारत मंडपम में, किसके द्वारा, ठीक है, तो ये जो है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह जी ने किया है, नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है दोस्तों, जहां पे G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था,
वहीं पे जो है 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का भी उद्घाटन किया गया। इस बैठक का दोस्तों उद्देश्य क्या था, तो हाल की हुई जो प्रगति है दोस्तों, उस प्रगति की प्रदर्शनी हेतु रिफाइनरी और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के लिए एक साझा मंच जो है प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, माफ करिएगा, यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो उन्होंने घोषणा किया, यानी कि हरदीप सिंह पुरी ने यह घोषणा किया कि भारत ने अपने जैव ईंधन सम्मिश्रण जो लक्ष्य है उसको पार कर लिया है। ठीक है, जैव ईंधन का जो सम्मिश्रण था, जो कि देश की, ठीक है, देश की हरित ऊर्जा नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसा कि जैव ईंधन सम्मिश्रण का लक्ष्य जो है 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया था पेट्रोल में, जो कि मूल रूप से पहले क्या था दोस्तों, 2030 तक जो है वो एथेनॉल मिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया था पेट्रोल में 20% का, उसको जो है क्या कर दिया गया है, 2025 कर दिया गया, क्योंकि 10% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। और भारत ने अब ये लक्ष्य रखा है भाई कि 2025 तक जो है वो 20% जो है एथेनॉल मिलाया जाएगा। किसमें मिलाया जाएगा, पेट्रोल में मिलाया जाएगा, जिससे कि प्रदूषण कम किया जा सके। ठीक है, तो ये इस लक्ष्य को जो है निर्धारित किया गया है, ये बात बताई गई है, ठीक है, इसी सम्मेलन के दौरान में। तो ये दोस्तों था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। ठीक है, आइए फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा दोस्तों पहला फैक्ट है कि राज्य के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। किसने दोस्तों, बिहार में। राज्य सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी, कौन सी राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। देखिए, यही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि आठवां जो है ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन की जो मेजबानी की गई है, जो आयोजित किया गया, वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत का जो है शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ गया दोस्तों, बढ़ा है कितना, 21.8%। और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के चेयरमैन बने दोस्तों, कौन बने हैं, नवनीत, ठीक है, मुनोद जो है वो बने हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की PDF जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाइए डाउनलोड करिए, ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपने शॉर्ट्स बनाइए, रिविजन करिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।